कोंच बीज एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो आपकी सेहत से संबंधित कई प्रकारों के विकारों में बहुत ही लाभ करती है, बहुत ही लाभकारी औषधि है। कोंच बीज का प्रयोग खास तौर पर पुरुषों से संबंधित विकारों में किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग तंत्रिका तंत्र से संबंधित यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित विकारों में किया जाता है। शुक्राणु अल्पता में कोंच बीज का प्रयोग किया जाता है। कोंच बीज का प्रयोग पार्किंसंस डिजीज में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कोंच बीज के विषय में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि कोंच बीज के क्या-क्या फायदे हैं, कोंच बीज का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए और कोंच बीज के प्रयोग से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या-क्या सावधानियां कोंच बीज के प्रयोग के समय बरतनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोंच बीज को किन-किन नामों से जाना जाता है। कोंच बीज का एक नाम केवाच है, इसे कपिकच्छू के नाम से भी जाना जाता है, इसे खजोहरा के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे काउहेज कहते हैं और इसका लैटिन नेम मुकुना प्रूडियंस है। कोंच बीज की एक लता होती है, सेम की लता के जैसी दिखने वाली एक कोंच बीज की लता होती है। इस लता पर फलियां लगती हैं, फलियों के ऊपर रोए होते हैं, इन फलियों के अंदर ही बीज कोंच पाए जाते हैं। फलियों के ऊपर जो रोए होते हैं वो बहुत ही अधिक खुजली करने वाले होते हैं, उनके स्पर्श से ही दाहा सूजन और खुजली की शिकायत हो जाती है। इन्हीं रोओं के कारण ही इसका नाम खजोरहरा पड़ा है, यानी यह खुजली पैदा करने वाला है। इसके बीज इसके फली के अंदर पाए जाते हैं जो कि बहुत ही विशेष औषधि गुणों से युक्त होते हैं। औषधि के कार्य में इन्हीं बीजों का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको कौच बीज के गुण बता देता हूँ। तो यह गुरु गुण से युक्त होता है, यानी यह पचने में भारी होता है, और यह स्निग्ध गुण से भी युक्त होता है, यानी यह चिकना होता है और शरीर का रूखापन दूर करने वाला होता है। इसके अलावा स्वाद में यह मधुर और तिक्त होता है, यानी स्वाद में यह मीठा होता है और कड़वा भी होता है। यह एक उष्णवीर्य औषधि है, यानी इसकी तासीर गर्म होती है। यह विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है, यह गर्म तासीर वाली औषधि है। यह वायु दोष का शमन करता है, वात शामक है, यानी जिन लोगों को वायु दोष जन्य विकार होते हैं उनके लिए यह बहुत ही विशेष उपयोगी औषधि है। और यह कफ और पित्त दोष का वर्धक करता है, यानी कफ को भी यह बढ़ाता है और यह पित्त दोष को भी बढ़ाता है, यानी कफ और पित्त दोष जन्य रोगों में बीज कोंच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बीज कोंच नाड़ी संस्थान के लिए बल्य औषधि है, यानी आपके नर्वस सिस्टम के लिए विशेष रूप से बहुत ही लाभकारी औषधि है। और यह बल्य है, ब्रंगण है, यानी आपके शरीर को ताकत प्रदान करती है, आपके शरीर का ब्रंगण करती है, बढ़ाती है आपके शरीर को, और यह एक बाजी कारक औषधि है। और आधुनिक मतानुसार बात करें तो यह पोषण से भरपूर है। इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसमें फॉस्फोरस है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, यानी यह पोषण से भरपूर औषधि है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कोंच बीज का प्रयोग किन किन रोगों में किया जा सकता है। कोंच बीज का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले नाम आता है पार्किंसंस डिजीज का, यानी पार्किंसंस रोग का। यह एक ऐसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति को चलने फिरने में परेशानी होती है, व्यक्ति का शरीर कांपने लगता है, उसका हाथ इस तरह से स्थिर नहीं रह सकता, उसका हाथ ऐसे ऐसे कैसे ऐसे कांपता है। इस तरह का जो रोग होता है उसे हम पार्किंसंस डिजीज के नाम से जानते हैं। ये जेनेटिक भी होता है और उम्र बढ़ जाने पर भी यह रोग कई लोगों में पाया जाता है। यह एक तंत्रिका तंत्र से संबंधित यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित एक रोग है, और इस रोग की रोकथाम के लिए बीज कोंच एक बहुत ही लाभकारी औषधि है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार बीज कोंच पार्किंसंस डिजीज के लिए बहुत ही लाभकारी पाया गया है। बीज कोंच में एंटी पार्किंसंस गुण मौजूद होता है, क्योंकि इसमें दो अमीनो एसिड पाए जाते हैं, एक एल डोपा और लिवोडोपा। ये दोनों अमीनो एसिड
पार्किंसंस डिजीज़ की रोकथाम के लिए बहुत ही विशेष रूप से प्रभावी हैं, बहुत ही विशेष रूप से लाभकारी हैं। तो जिन लोगों को पार्किंसंस डिजीज़ होने की संभावना हो, यह जेनेटिक भी बहुत होती है, और जिन लोगों को पार्किंसंस डिजीज़ होने की संभावना लगे उन लोगों को बीज कौंच का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। बीज कौंच के प्रयोग से पार्किंसंस की रोकथाम में बहुत ही लाभ हो सकता है। इसके अलावा बीज कौंच में एंटी एजिंग का भी गुण पाया जाता है, यह आपकी बढ़ती उम्र को रोकने का भी कार्य करता है, यह बल्य औषधि है, यह आपके शरीर में ताकत देने का भी कार्य करती है। बीज कौंच आपकी एकाग्रता शक्ति को, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके प्रयोग से आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है, जिससे आपके शरीर में होने वाले तनाव, चिंता, इस तरह की तकलीफों में भी आराम मिलता है। कौंच बीज का प्रयोग पुरुषों से संबंधित विकारों में भी बहुतायत में किया जाता है। कौंच बीज एक कामोद्दीपक औषधि है, यह आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने का कार्य करती है। कौंच बीज के प्रयोग से जो लोग अल्प शुक्राणुता से परेशान रहते हैं, यानी जिनके शुक्राणुओं में कमी होती है, उनके शुक्राणुओं को बढ़ाने में भी कौंच बीज बहुत ही असरदायक सिद्ध हुआ है। कौंच बीज के प्रयोग से अल्प शुक्राणुता धीरे धीरे कम होने लगती है, और यह पुरुषों की इनफर्टिलिटी में बहुत ही लाभकारी औषधि है। तो जिन लोगों को यौन इच्छा की कमी रहती हो, या शीघ्र पतन की शिकायत रहती हो, या आप अपने शरीर की ताकत को बढ़ाना चाहते हो, अपने शरीर में ताकत लाना चाहते हो, तो आप लोगों को कौंच बीज का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बीज कौंच का प्रयोग करने का सही तरीका क्या है। बीज कौंच का प्रयोग हमेशा शोधन के बाद ही करना चाहिए, यानी बीज कौंच को शुद्ध करने के बाद ही इनका प्रयोग करना चाहिए। बाजार में इसका चूर्ण आसानी से मिल जाता है, कई फार्मेसियों का चूर्ण शुद्ध कौंच बीज चूर्ण के नाम से मिलता है, और कई फार्मेसियों का चूर्ण बीज कौंच चूर्ण के नाम से भी मिलता है। तो शुद्ध कौंच बीज का चूर्ण आपको बाजार से ले सकते हैं, और सबसे अच्छा तो यह है कि आप बीज कौंच बाजार से खरीद कर किसी भी अच्छे पंसारी के यहाँ से बीज कौंच खरीद कर और अपने यहाँ खुद ही शुद्ध कर लें और उसका पीस कर चूर्ण बना लें, तो यह सबसे अच्छा रहेगा। मैं आपको बीज कौंच को शुद्ध करने का तरीका भी बता देता हूँ। इसके लिए आपको बीज कौंच ले लेने हैं, उन्हें पानी में भिगो देना है 24 घंटे के लिए। पहले पानी में भिगोए रखना है, फिर इसे उबाल लेना है, 5 मिनट तक उबालना है। उबालने के बाद उन्हें ठंडा कर लेना है। जब बीज कौंच उबलने के बाद ठंडे हो जाएं, तो उनका आपको छिलका उतार देना है। बादाम की तरह उसका छिलका बड़ी ही आसानी से उतर जाएगा। अगर आप 24 घंटे भिगोएंगे और उसके बाद उबाल ले लेंगे, फिर ठंडा करेंगे, तो उसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। इसका छिलका उतारने के बाद छिलके को फेंक देना है, और बाकी बीज कौंच को आपको अच्छी तरह से धूप में सुखाने के लिए रख देना है। 4 से 5 दिन में यह बीज कौंच पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे, पूरी तरह से सूख जाएंगे। इनको जब यह अच्छी तरह से सूख जाएं, तो इनको पीस कर इनका चूर्ण बना लेना है। इस प्रकार तैयार हुआ यह बीज कौंच चूर्ण आपके सेवन के लिए बिल्कुल ही उपयोगी है, बहुत ही लाभकारी है। इस बीज कौंच चूर्ण का प्रयोग 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह और 2 से 3 ग्राम की मात्रा में शाम को, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाने के बाद, यानी रात को खाने के बाद इसका प्रयोग करना है, और दूध के साथ करना है। दूध के साथ प्रयोग करना बीज कौंच बहुत ही लाभकारी रहता है, तो इसका प्रयोग हमेशा ही दूध के साथ करना है। तो इस प्रकार से आप बीज कौंच का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में ताकत आएगी, आपके शरीर में स्टेमिना बढ़ेगा, आप पार्किंसंस डिजीज से भी मुक्त हो जाएंगे। और यह ध्यान रखें, बीज कौंच का प्रयोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 माह के लिए तो बहुत ही विशेष उपयोगी है। सर्दी के दिनों में बीज कौंच का प्रयोग बहुत ही लाभकारी है, परंतु यहाँ मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति बीज कौंच का या किसी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, किसी भी आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करना चाहें, तो वह एक बार अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें, परामर्श अवश्य ले लें, क्योंकि आयुर्वेद में दोष का, व्यय का,
स्थान का बहुत अधिक महत्व होता है, जो कि रोगी परीक्षा के बाद ही जानना संभव है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि बीज कोंच से क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि बीज कोंच का प्रयोग कभी भी बच्चों में नहीं करना है। 20 वर्ष 22 वर्ष से पहले की आयु में, इवन 25 वर्ष से पहले की आयु में या शादी से पहले की आयु में बीज कोंच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह एक पित्तवर्धक औषधि है, इसका प्रयोग कम उम्र के बच्चों में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसका प्रयोग गर्भवती महिला में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह भी पित्तवर्धक औषधि है, गर्म औषधि है, तो गर्भवती महिला में या ऐसी स्त्री जो अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाती हैं उनमें भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, या चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। और कोंच बीज का प्रयोग हमेशा ही शोधन के बाद करना चाहिए, या तो किसी अच्छी फार्मेसी का शुद्ध कोंच बीज चुन लें या अपने पास खुद ही इसका शोधन करके फिर इसका प्रयोग करें, तो इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो आपको बीज कोंच के संबंध में यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आयुर्वेद संबंधित जानकारी को लगातार प्राप्त करते रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।